सो गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, माई सेल्फ अयाज अहमद। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिनॉल एंड इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। नाउ फिनॉल इज एरोमेटिक हाइड्रोक्सी अल्कोहल। यस, हियर यू कैन सी बेंजीन रिंग, यस, एंड थ्री डबल बॉन्ड। Here I am showing each double bond by two electron, two red dot. Yes, so three double bond means six electron. Here oxygen having already two lone pair with another single bond. यहाँ पर आप देख सकते हैं blue line, and ये blue line show कर रही है दो electron, मतलब ये bond form हुआ है दो electron के through. Yes, जब आपका phenol बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ से ये प्रोटॉन जाता है। प्रोटॉन क्या करता है, आपका बेस एक्सट्रैक्ट करता है। तो प्रोटॉन जब यहाँ से निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन जो उसके पास था, ये वो ऑक्सीजन को देकर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर थ्री लोन पेयर विथ बेंजीन कंटेनिंग सिक्स इलेक्ट्रॉन और थ्री लोन पेयर। यस, सो हियर हाइड्रोजन और प्रोटॉन रिलीज, डैट मीन्स फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, मीन्स फिनॉल रिलीजेस एच प्लस आयन। आई थिंक अप टू दिस एवरी वन क्लियर योर पॉइंट्स। नाउ यू नो ईच बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, you know each bond formed by sharing of electron. Yes, so how resonating structure is, how resonance structure of phenoxide ion form, मतलब इसमें कैसा है कि आपका जो ये phenoxide ion बनाए, ये अपने आप को stable किस तरह करता है, how they may become stable. So now we are going to see this. Here you can see, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ थ्री लोन पेयर है, थ्री लोन पेयर ऑक्सीजन पर है, और उसके साथ साथ यहाँ पर बेंजीन के अंदर तीन डबल बॉन्ड है। यस, और तीनों डबल बॉन्ड के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे छः इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ऑक्सीजन के पास छः इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जा रहे हैं टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। यस, अब क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा लोन पेयर है, दो लोन पेयर उसकी स्टेबिलिटी के लिए लगता है, तीसरा लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन को अनस्टेबल बनाता है, मींस फिनॉल को अनस्टेबल। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके रेजोनेंस में, यस, बेंजीन के अंदर जाएंगे, और ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में ये दो लोन पेयर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दो डबल बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड बनेगा, और ये पाई बॉन्ड फॉर्म होगा इस दो इलेक्ट्रॉन की वजह से। यस, अब साइमल्टेनियसली जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ का ऑलरेडी जो डबल बॉन्ड है ये भी अपने आप को स्टेबल करेगा। क्यों, दो डबल बॉन्ड कंटिन्यूस हो नहीं सकते, एक साथ नहीं बन सकते। यस, एट अ टाइम टू डबल बॉन्ड कैन नॉट फॉर्म साइड बाय साइड। सो जब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो उसके साथ साथ इस पाई बॉन्ड को भी यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा। यस, तो ये दो इलेक्ट्रॉन आपके इस पोजीशन पर शिफ्ट हो गए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यस, तो यहाँ पर आपका दो इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर आ गए। यस, ओके, नाउ दिस इन सेकंड स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन अब आपके शिफ्ट हो गए इस पोजीशन पर, इस सिंगल बॉन्ड पर, कहाँ पर, इस सिंगल बॉन्ड पर शिफ्ट हो गए, तो साइमल्टेनियसली आपका यहाँ का जो दो इलेक्ट्रॉन था वो भी अपने आप को शिफ्ट करेगा इस पोजीशन पे। यस, नाउ सी द थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिडल पर आ गए यहाँ पर। नाउ लुक हियर, मिडल पोजीशन पर जब आपका ये दो इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो ये फिर अगेन अपने आप को इस बॉन्ड पर शिफ्ट करेंगे यहाँ पर।
यस, जैसा आप देख सकते हैं। इसके बाद ये बनाए और उसके साथ साथ उसके पास जो डबल बॉन्ड है यहाँ का, ये डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन भी अपने आप को ऊपर की जानिब शिफ्ट करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। यस, सो दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर आर सिमिलर बट आइसोमर्स, यू नो आइसोमर, सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट स्ट्रक्चरल डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यस, मिरर प्लेन, यस दे आर अपोजिट टू इच अदर बट हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन। ये अगेन क्या होगा, ये अपने आप को यहाँ पर आप देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन अपने आप को कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, इस बॉन्ड पर, यहाँ पर जब अपने आप को शिफ्ट करेंगे तो साइमल्टेनियसली यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन भी अपने आप को वापस ऑक्सीजन की तरफ लेकर जाएंगे। यस, क्योंकि अगर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड रहा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा, दैट इज़ हाईली अनस्टेबल हैविंग हाईएस्ट एनर्जी। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को अपने आप को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। यस, तो लाइक वाइज जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। यस, और आपका ऑक्सीजन जिसके पास अभी तक के दो लोन पेयर थे, अगेन वो तीन लोन पेयर उसके पास आ जाएगी। नाउ यर अगेन फिनोक्साइड आयन इज फॉर्म, दैट इज अंडर रेजोनेंस फॉर्म। सो गाइस, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्ट्रक्चर एंड कंसेप्ट।